गुना में बिजली संशोधन बिल 2020 बिजली के दामों में वृद्धि और बिजली के निजीकरण के खिलाफ सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया पार्टी की गुना इकाई ने राज्यव्यापी विरोध दिवस के तहत विद्युत वितरण कंपनी के सामने प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि प्रदर्शन को संबोधित करते हुए जिला कमेटी सदस्य लोकेश शर्मा ने कहा कि बिजली एक अति आवश्यक सेवा है जो हर व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण है, लेकिन केंद्र सरकार के द्वारा बिजली कानून में बदलाव कर 2003 से बिजली की सेवा क्षेत्र से व्यवसाय के क्षेत्र में बदला जा रहा है। कोरोना महामारी ने हालात बदतर कर दिए हैं, ऐसे में लोग परेशान हैं, लेकिन सरकार के द्वारा घोर निष्ठुरता के साथ बिजली के मूल्य लगातार बढ़ाए जा रहे हैं। वहीं श्रमिक संगठन जनता यूनियन और यूसी के प्रदेश उपाध्यक्ष नरेंद्र भदौरिया ने कहा कि जून के महीने में उपभोक्ताओं के बिजली बिल आश्चर्यजनक ढंग से बढ़ा दिए गए हैं। एक महीने में दो बार रीडिंग ली गई, एक ही महीने के अंदर बिजली के बिलों को कई गुना बढ़ाकर रख दिया है, इससे लोग परेशान हैं। ज्ञापन में मुख्य रूप से बिजली के दामों में की गई मूल्य वृद्धि रद्द करो, बिजली के दामों में 70% वृद्धि का प्रस्ताव रद्द करो, बिजली के निजीकरण की नीति रद्द करो, प्रदेश सरकार केंद्र सरकार से जन विरोधी बिजली बिल 2020 रद्द करने की सिफारिश करो आदि मांगे की गई। इस बात को लेकर विरोध किया जा रहा है कि सरकार ने बिजली के रेट्स में 70% तक इजाफा कर दिया। अभी जो सभी लोगों के बिल आ रहे हैं वो सब लोग देख रहे हैं कि ज़्यादा बिल आ रहे हैं। हमारे देश के अंदर जब देश आज़ाद हुआ था तब हमारे देश को जन कल्याणकारी राज्य माना गया था और बिजली भी जनता को आसानी से उपलब्ध कराई जा सके इसके लिए सरकार ने प्रण लिया था, लेकिन धीरे धीरे आते 2003 के अंदर बिजली एक्ट 2003 लेकर आए और 2020 बिजली एक्ट जो सरकार लेकर आई है इसका पूरे देश में विरोध हो रहा है और महंगी बिजली जनता को दी जा रही है। हमारा ये कहना है बिजली क्षेत्र सेवा क्षेत्र है, बिजली नहीं होगी तो अस्पताल की लाइट नहीं चलेगी, बिजली नहीं होगी तो ऑपरेशन थिएटर में अंधेरा रहेगा, बिजली नहीं होगी तो मोबाइल चार्ज नहीं होगा, इलेक्ट्रॉनिक चैनल बंद हो जाएंगे। वो महंगी बिजली देकर आप बाजार की महंगाई को बढ़ाना चाहते हैं, इसीलिए हम ये मांग कर रहे हैं बाजार की महंगाई को अगर नियंत्रित रखना है।